HR न्यूज, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए HR न्यूज में आपका स्वागत है, मैं मोहनलाल, और आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे उस धमकी को लेकर के जो आतंकवादियों द्वारा मंदिर और रेलवे स्टेशन को उड़ाने की दी गई है। और 8 अक्टूबर का आपको बता दें दशहरा है, और दशहरे वाले दिन आतंकवादियों द्वारा एक पत्र के जरिए ये सूचना दी गई है कि देश के कई स्थानों पर मंदिर और रेलवे स्टेशन को उड़ा दिया जाएगा। उसको लेकर के रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा चाक चौबंद है। हमारे विशेष संवाददाता है रमेश वशिष्ठ, जो लगातार इस पूरे मामले पे निगाह बनाए हुए हैं। सीधा एक बार उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि वो इस मामले को पूरे बारीकी से देख रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे आज भी आपको बता दें सुरक्षा को लेकर के बड़ी तैयारियां की गई, क्या कुछ पूरा इन्होंने जायजा लिया। सीधा इन्हीं से एक बार हम चर्चा करेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं। रमेश वशिष्ठ जी हमारे साथ है। वशिष्ठ जी, पहला सवाल आपसे ये है, आखिर ये सुरक्षा को आप किस रूप में लेते, कितनी तैयारी, प्रशासन कितना सचेत है इस चीज को लेकर के? रेलवे को जब भी कोई ऐसा कोई पत्र मिलता है किसी आतंकवादी संगठन द्वारा किसी अफवाहों को फैलाने से संबंधित पत्र जो मिलता है, तो रेलवे विभाग सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो जाती हैं, और इसे बड़ी गंभीरता से लेते हुए इसको बड़े ध्यान पूर्वक सभी का सहयोग लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में, पूरे चाक चौबंद अपनी व्यवस्था बनाने में लग जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे जो तिथि दी गई है, जो पिछले गत दिनों रोहतक में स्टेशन अधीक्षक को पत्र मिला था कि कुछ देश के रेवाड़ी ना रोहतक अम्बाड़ा जो प्रमुख स्टेशन है मुंबई जैसे, और उसके साथ साथ मंदिरों को जो उड़ाने की बात है, तो उसका जो पत्र मिला था, रेलवे विभाग ने और सभी सुरक्षा एजेंसियों ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया है। अब बात यह नहीं कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद कर रहे हैं, ये सब रेलवे के अधिकारियों को उच्च स्तर पे प्लानिंग बनाई हुई है कि कब कब क्या मूवमेंट हमने रेलवे स्टेशन क्षेत्र में करना है, और यात्रियों को किस प्रकार से सहयोग लेना है, आमजन का भी सहयोग ले रहे हैं कि सुरक्षा को बनाए रखें, कोई पैनिक ना फैले, मतलब लोगों में कोई डर ना हो, इस चीज को लेकर के पूरा, यानी कि आप कह रहे हैं कि ध्यान रखा जा रहा है इस चीज को लेकर। रेलवे आरपीएफ डीजीपी साहब और हरियाणा हाईवे रेलवे एसपी ने भी आम लोगों से, आम यात्रियों से भी अपील की है विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से और आम लोगों के माध्यम से, कि किसी भी प्रकार की अफवाह को ना फैलाएं और सुरक्षा व्यवस्था को सहयोग बनाते हुए अपने रेलवे अधिकारियों को सूचित करते रहें। अगर उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु नजर आती है या कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है जो उनके उनको संदिग्ध लगता है, तो किसी भी नजदीक पुलिस कर्मचारी को या थाना को सूचित कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने वशिष्ठ जी लगातार बता रहे, क्योंकि निगाह भी रखे हुए हैं उस पूरे मामले पर, और जिस तरीके से आप फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, लगातार आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से वहां कमांडो वगैरह तैनात कर दिए गए, डॉग स्क्वाड वगैरह वहां लगा दिए गए, तो जाहिर है कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और पुख्ता इंतजाम किए गए। क्योंकि आपको बता रहे त्योहारों का सीजन है, 8 तारीख का जो दशहरा है उसके चंद दिनों बाद दीपावली भी है, इधर चुनावी सीजन भी आपको बता दें आ गया, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 21 अक्टूबर को चुनाव भी यहाँ होने हैं, तो तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं एक साथ है, और प्रशासन नहीं चाहेगा किसी भी तरीके का आमजन में पैनिक फैले या किसी तरह का डर का माहौल हो, उसको लेकर के तैयारियां आज जिस तरीके का क्या कुछ रहा, वशिष्ठ जी आपसे जानना चाहेंगे। स्टेशन पे आप देख रहे हैं जिस तरीके से डॉग स्क्वाड कमांडो वगैरह तमाम आए, तमाम मीडिया को वहां बुलाया गया, तमाम जो मीडिया लगा हुआ है, लेकिन एक इसी के साथ और हम कहेंगे जो यात्री जो आ रहे जा रहे हैं उनको लेकर के क्या बंदोबस्त, गाड़ियों में क्या चेकिंग वगैरह हो रही है? देखो, यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और जो बम की अफवाह का जो पत्र है उसको ध्यान में रखते हुए उच्च अधिकारियों ने विशेष सुरक्षा बल जो कमांडो है वो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रशिक्षित है, उनको रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में आरपीएफ और जीआरपी का सहयोग करने के लिए रेलवे स्टेशन पे भेजा हुआ है, ताकि कोई किसी भी कोई घटना घटती है तो उसको उससे घटना घटने से पहले ही उसको काबू में कर लिया जाए और उस यात्री और आम लोग सुरक्षित रह सके। तो क्या इसमें जो है स्थानीय पुलिस है उसका भी सहयोग लिया जा रहा है, रेलवे पुलिस है उसका भी लिया जा रहा है, जीआरपी है, क्या तमाम एक यानी कि कहा जाए पूरा बैलेंस बना करके चलाया जा रहा है, एक दूसरे से संपर्क रखकर सुरक्षा को लेकर सभी एजेंसियां एक है, वो सभी तालमेल आपस में बनाए हुए हैं, सबको आपस में अलर्ट किया हुआ है 24 घंटे, वो नेटवर्क उनका आपस में टाई अप है कि हमें एजेंसी सुरक्षा किस प्रदान देनी चाहिए, जरा सा भी कोई मैसेज होगा जिला पुलिस भी और रेलवे पुलिस आरपीएफ स्पेशल कमांडो सभी लोग वहां मौजूद हो जाते हैं, जैसे ही कोई समाचार आएगा या सुरक्षा संबंधित कोई भी घटना घटती है
या उसको कोई अपराधी व्यक्ति को अफवाह फैलाने की कोशिश करता है, उसको काबू करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के पास स्रोत काफी मजबूत है। तो देखिए मजबूत है कहने का प्रशासन स्तर का, जिस तरीके का हम फुटेज में दिखा रहे हैं, आप फुटेज में भी देख रहे होंगे, हमारे संवाददाता लगातार उन कमांडो के साथ लगे हुए हैं, तमाम एक एक चीज का बारीकी से कवर किया जा रहा है एक एक चीज को। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती है, प्रशासन नहीं चाहेगा या सरकार नहीं चाहेगी किसी भी तरीके की कोई ऐसी गतिविधियां हो जिसको लेकर के कोई उंगलियां उठे। तो देखिए कहीं ना कहीं सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध जो है पूरी तरीके से कर दिए गए हैं, रेलवे पूरी तरीके से सतर्क है, और हम उन अधिकारियों का भी अब आपको बयान सुनाते हैं क्या कुछ वो अधिकारी कैमरे पर कह रहे हैं। स्टेशन का रेलवाड़ी से काफी हद तक खुला हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए मेरी कोशिश यही है, हमारे जवान अधिकारियों की कोशिश यही है कि कोई भी ऐसा प्लेस या स्थान ऐसा ना हो जहाँ पर बगैर अनमैन्ड हर जगह हमारे आदमी लगे हुए हैं। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड गेट्स हैं उसका पूरे इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे पास जो टोरस की प्लाटून आई है उनका पूर्णतः सदुपयोग किया जा रहा है, वो लड़के ट्रेन में हैं, ट्रेन कमांडोज हैं जो हर एक्टिविटी आने जाने वालों को अपनी कड़ी निगाह रखते हैं। आगे फिर मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार। मैं राव विजेंद्र सिंह रानी की ड्योटी से, हम सबकी बहन महिंद्रा आगामी नगर परिषद के होने वाले चुनाव वार्ड नंबर 14 से लड़ेंगी। वार्ड के विकास एवं तरक्की के लिए आप सभी से आग्रह है कि उन्हें अधिक से अधिक मत देकर विजयी बनाएं।